नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रोग्रेस आईएएस एकेडमी। मेरा नाम सुमंत। आज हम डिस्कस करेंगे 11 दिसंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यूज जो फ्रेम किए गए हैं द हिंदू से, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस से। समय हो रहा है सुबह के 5:02। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, खराब लगे तो आप डिसलाइक कीजिएगा। दोस्तों इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। हमारे सारे पीडीएफ हैं मौजूद है हमारे टेलीग्राम चैनल क्रैकर्स आईएएस एकेडमी पर। सारे हमारे वीडियो जो हम बनाते हैं सब हम अपलोड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल और अपनी फेसबुक पेज क्रैकर्स आईएएस एकेडमी पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम लोग आपको देते हैं रोज़ 4 सवाल जिसका आपको आंसर देना होता है। हमारा पहला सवाल आज का ये है कि एजे पॉलराज कमेटी है वो संबंधित है किससे? जो एडॉप्शन है 5G नेटवर्क का, उससे, स्टेबल बर्निंग से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से। सवाल नंबर 2, जो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट है इसे कौन रिलीज़ करता है? UNEP, WTO, WEF या फिर G20 ग्रुप। सवाल नंबर 3, जो हक्कानी नेटवर्क है वो कौन से देश में एक्टिव है? अफगानिस्तान, लेबनान, ईरान, ट्यूनिशिया। सवाल नंबर 4, जो अल्मा है, इसको पढ़ाया था मैंने आपको कुछ दिन पहले। अल्मा एक एस्ट्रोनॉमिकल इंटरफेरोमीटर है, ये कौन से देश में लोकेटेड है? चिली, पापुआ न्यू गिनी, फिनलैंड, जॉर्डन। ये जो PNG है ना, ये पैसिफिक ओशन का एक आइलैंड है। चिली कहाँ है? ये आपके साउथ अमेरिका में है। ऐसा जो चिली, जो हमारे साउथ अमेरिका है ना, इसके वेस्टर्न कोस्ट पर पूरा चिली बसा हुआ है, लंबाई से पूरा ऐसे। ठीक है, ये था आपके 4 सवाल जिसका आपको आंसर देना है। अब हम आते हैं अपने कल के सवालों पर। पहला हमारा सवाल था ट्रांसफ़र प्राइसिंग के बारे में, ये संबंधित है किससे? ये संबंधित है टैक्सेशन से और अकाउंटिंग से। मान लो कि एक कंपनी है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जो है वो गूगल की पैरेंट कंपनी है। अल्फ़ाबेट के अधीन आता है गूगल और दूसरी कंट्री आता है। मान लो कि गूगल और इसका एक और, जैसे कि इसका सब्सिडरी हो आपका XYZ, गूगल का कोई एसेट खरीदना चाहता है XYZ, क्या करेगा ये? इसको पैसे पे करेगा, है ना? तो इस वस्तु के मुकाबले, जैसे कि वस्तु के एवज में जो पैसे पे किए जाएंगे उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसफ़र प्राइस। एक ही कंपनी के अलग अलग एंटिटी जब आपस में लेन देन करते हैं तो जो पैसा डिसाइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रांसफ़र प्राइस। अब सोचो अगर सेम कंपनी के अधीन दोनों हैं, क्या चाहेंगे? प्राइस कम रखा जाए या फिर प्राइस को मैनिपुलेट किया जाए ताकि उस पर टैक्स कम देना पड़े, है ना? तो दीज आर प्राइस एट विच पार्टीज ट्रांजैक्ट विथ ईच अदर सच एज ड्यूरिंग ट्रेड्स ऑफ सप्लाइज और लेबर बिटवीन डिपार्टमेंट और सब्सिडरीज ऑफ अ सिमिलर कंपनी। क्या आंसर हुआ? टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग से संबंधित है ये वाला। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अगला हमारा सवाल है, जो हाई कोर्ट का पावर है कि वो लोअर कोर्ट के जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, उसका आउटकम बदल सकता है, ये क्या होता है? ओरिजिनल, अपलेट, रिट या फिर एक्सक्लूसिव रिजेक्शन। दोस्तों ये हमारा होता है अपलेट रिजेक्शन। जो लोअर कोर्ट है इसके जो डिसीजन है इसके अगेंस्ट आप जा करके अपील कर सकते हैं हायर कोर्ट में। तो जो हायर कोर्ट है वो उसको देख सकता है, वो पूरा जो नया हियरिंग है वो सुन सकता है, कोई जो नया फैक्ट है वो देख सकता है या फिर उसको रिव्यू कर सकता है उस जजमेंट को। 3 बातें वहाँ पर हो सकती हैं जब ऊपर में आप फाइल करेंगे। आंसर क्या है? आंसर है मेरा बी, अपलेट जजमेंट इज द राइट आंसर। अगला हमारा सवाल है कि ये सवाल हमारे आर्ट एंड कल्चर का है। इंट्रोडक्शन ऑफ राग सच एज घोरा और सनम, ये जो दोनों राग हैं और जो हमारा तबला का डेवलपमेंट है इसे किसने किया था? इसे किया था अमीर खुसरो जी ने। मेरा आंसर क्या है यहाँ पे? मेरा आंसर है यहाँ पे डी, नन ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। हमारे कुछ दोस्तों ने इसका बहुत सही जवाब दिया था, उन्हें बधाई। अगला हमारा सवाल है 4, कि जो ओग्जोकुल ग्लेशियर है ये कहाँ बसा हुआ है? ये आइसलैंड का पहला ग्लेशियर है जो मेल्ट हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से। कहाँ है? आइसलैंड में है। डी इज़ द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने आज के न्यूज़ पर। आज 11 दिसंबर को फ्रंट पेज पर पहला न्यूज़ है द हिंदू के, सॉरी पेज नंबर 12 पे, कि लोकसभा नोट फॉर बिल एक्सटेंडिंग सुप्रीम STSC कोटा इन स्टेट लेजिस्लेचर। जो हमारे विधानसभाएं हैं वहाँ पर STSC को कोटा दिया जाता है, उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व की जाती हैं। तो ये 2020 में लैप्स होने वाला था, इसको 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये जो आरक्षण होगा वो जनवरी 25-2030 तक के लिए होगा, ध्यान रहेगा। ये बिल क्या है? ये बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल 126 अमेंडमेंट बिल। ध्यान देना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती, दोनों सदन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसे अलग अलग पास किया जाता है स्पेशल मेजोरिटी से, ध्यान रहेगा। अच्छा हाँ,
अगर कोई अमेंडमेंट बिल 368 के अंतर्गत पास हो रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगा। अगर कोई अमेंडमेंट बिल केवल सिंपल मेजोरिटी से पास हो रहा है तो ये जो अमेंडमेंट होगा ये 368 के अधीन नहीं आएगा। बस समझ में आई। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप कोई स्टेट का क्रिएशन करते हैं, मान लो कि आपने जम्मू कश्मीर को जैसे कि स्टेट से बना दिया यूनियन टेरेटरी, तो आपको जो शेड्यूल वन है संविधान का वो अमेंड करना पड़ेगा, है ना। तो आपने शेड्यूल अमेंड किया और इसके लिए आपने केवल सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी, आपको स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो अमेंडमेंट होगा ना वो आर्टिकल 368 के अधीन नहीं आएगा। बस में आ गई। तो क्या किया गया, ये जो 126th अमेंडमेंट बिल है इट विल कंटिन्यू द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SCs फॉर अनदर 10 ईयर इन द आवर लेजिस्लेचर। ध्यान रहेगा इसमें एक बात और देखो, SCSC को तो एक्सटेंड कर दिया गया मगर जो सीट रिजर्व की गई थी एंग्लो इंडियन के लिए इसको एक्सटेंड नहीं किया गया। तो काफ़ी जो हमारे MPs हैं उन्होंने इस पर जताया है आक्रोश कि नहीं, जो एंग्लो इंडियन है उन्होंने हमारे लिए काफ़ी कुछ किया है, इनको भी देना चाहिए। ध्यान रहेगा इसी न्यूज़ में एक बात और है, रिजर्वेशन एलोन इजंट इनफ, दिस इंटेलेक्चुअल अनटचेबिलिटी हैज़ टू एंड। जो ऐसे कोड्स होते हैं ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एसे में, काफ़ी मार्क्स आएंगे। सवाल हमारा ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिए गए हैं SCs और STs को उसके बारे में, संविधान डज नॉट स्पेसिफाई द कास्ट और ट्राइब विच आर टू बी कॉल्ड शेड्यूल्ड। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है, इसका कॉन्सेप्ट दिया था अंग्रेज़ों ने, जो ट्राइब थे उसको शेड्यूल में लिखा गया था, इसीलिए उसका नाम बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब। तो जो और देखो इस पर सवाल पूछ चुका है UPSC के, शेड्यूल्ड ट्राइब में शेड्यूल का क्या मतलब है, है ना। तो UPSC के जो प्रीवियस के जो क्वेश्चंस उसको देखते रहिएगा आप कि हाँ किस तरह क्वेश्चन पूछता है, आपको क्या पढ़ना है आगे उसके लिए। संविधान स्पेसिफाई नहीं करता इन कास्ट को, इन ट्राइब को, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो जारी करते हैं एक नोटिफिकेशन और ये बताते हैं कि कौन से ट्राइब कौन से कास्ट इस कम्युनिटी में आएंगे। मेरा पहला यहाँ पर गलत है, मैंने क्या किया, क्या बोल रहा है, डज नॉट स्पेसिफाई, तो सही है ना ये वाला मेरा, मेरे यहाँ पर पहला तो सही हो गया, मैं क्यों काट रहा हूँ इसको। अगला देखो, इन मैटर ऑफ प्रमोशन टू द पब्लिक सर्विस स्टैंडर्ड ऑफ इवेल्युएशन कैन बी लोअर्ड इन फेवर ऑफ STSC। हाँ जी, जो कट ऑफ मार्क्स हैं इसको लो किया जाता है STSC के लिए। सेंटर शुड पे ग्रांट इन एड टू द स्टेट फॉर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ STSC। ST के लिए जो ग्रांट है वो केंद्र को देना पड़ेगा मगर ऐसा कोई एप्लीकेशन SC के लिए नहीं बनाया गया है। जो हमारा केंद्र है वो ग्रांट नहीं भी दे सकता है, मेरे यहाँ पर थर्ड गलत है। ओनली ST के लिए ग्रांट दिया जाता है, SC के लिए ग्रांट दे सकता है मगर ये मैंडेटरी नहीं है। ध्यान रहेगा मेरे यहाँ पर सेकंड सही है, मेरा आंसर यहाँ पर है 1 and 2 ओनली आर करेक्ट। जो हमारा 82nd अमेंडमेंट था 2000 का, इट प्रोवाइड फॉर मेकिंग एनी प्रोविजन इन फेवर ऑफ STSC फॉर रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स इन एनी एग्जामिनेशन और लोअरिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ इवेल्युएशन। इसी के अधीन आपको जैसे कि जो STSC है ना इनको मिलता है कट ऑफ में कमी, जैसे कि होता है ना एग्जाम वगैरह उसमें, और जो प्रमोशन उसमें भी आरक्षण दिया जाता है इस अमेंडमेंट के अंतर्गत। अगला हमारा सवाल है जो रोहिंग्या है उन पर, अभी न्यूज़ आई थी कि वाई असम इज़ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 का जो बिल है ना, काफ़ी इसके विरोध हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में। सवाल यह है कि जो रोहिंग्या माइग्रेंट हैं वो भारत में कहाँ कहाँ बसे हुए हैं, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, तेलंगाना, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर एंड उड़ीसा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आपको देखना है कि कहाँ पर ये जो जैसे कि ये जो माइग्रेंट हैं बसे हुए हैं, और गवर्नमेंट ने ये जैसे कि फाइल किया है कि जम्मू कश्मीर में, हैदराबाद में मतलब तेलंगाना में, और जो हरियाणा के जो इलाके हैं, त्रिपुरा के जो इलाके हैं वहाँ पर बसे हुए हैं रोहिंग्या माइग्रेंट। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला हमारा सवाल है जो सुमात्रन राइनो है उसके बारे में, ये जो राइनोसोरस है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं अभी हाल में ही आपको बताना है, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया। तो जो इंडिया है यहाँ पर ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, ध्यान रहेगा ये है आपका सुमात्रन राइनोज। अगर आपको पता है कि तीन गलत है तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर सी कर दिया एलिमिनेट, मैंने यहाँ पर डी एलिमिनेट कर दिया। हमारे पास वन हॉर्न राइनो काफ़ी अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं और ये असम वगैरह पाए जाते हैं, जो हमारे इलाके हैं ना काजीरंगा वगैरह वहाँ पर, ठीक है। अगर आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है तो आपको अटेम्प्ट ले लेना है, छोड़ना नहीं है, समझ आती बात। और मेरा यहाँ पर देखो जो इंडोनेशिया है यहाँ मिलता है मगर मलेशिया और इंडिया में ये एक्सटेंड हो चुका है, आंसर क्या है,
ओनली वन, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला हमारा सवाल है FFGS बजट के बारे में, इसका जो कवरेज है इसको बना दिया है ग्लोबल, इसे किससे इंप्लीमेंट करता है, UN ऑफिस फॉर DRR, दूसरा हमारा है नासा, तीसरा हमारा है WMO, चौथा हमारा है ग्लोबल एटमॉस्फेयर रिसर्च प्रोग्राम। ये जो FFGS प्रोजेक्ट है इसे इंप्लीमेंट करता है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मेरा आंसर यहाँ पर है बी। अच्छा देखो, फ्लैश फ्लड क्या होता है, अचानक से जो मतलब बारिश होती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बारिश हो जाती है और हमारे जो ड्रेनेज वगैरह होते हैं काफ़ी मतलब जैसे कि बंद होते हैं नालियाँ वगैरह, तो जो इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ आ जाता है, इसको बोलते हैं क्या, फ्लैश फ्लड। तो इसके लिए बनाया गया है, जो 15th WMO कांग्रेस था इसने कहा था कि इस प्रोजेक्ट को सेटअप किया जाए, इसका जो कवरेज है इसको ग्लोबल किया जाए। आंसर मेरा क्या है यहाँ पे, सी, WMO इज द राइट आंसर। अगला हमारा न्यूज़ है द हिंदू के पेज नंबर 1 पे, जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है संबंधित है उससे क्यों न्यूज़ आया है ये वाला, क्योंकि हाल में ही जो मतलब कि अभी जो हुआ था ना रेपिस्ट को, मतलब जैसे कि जो एक्यूज थे इनको मार दिया गया था इनकाउंटर में, क्या कारण था उसके पीछे, जो जुडिशरी है इसमें हमारा फेथ काफ़ी कम हो गया है क्योंकि काफ़ी डिले होता है जस्टिस डिलीवरी में, तो क्यों होता है, कई सारे कारण हैं, कुछ कारण हैं वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल, कुछ कारण है वहाँ पर जैसे कि फंक्शनिंग है उसमें, और कुछ कारण है वहाँ पे जो वैकेंसी वगैरह हैं उसमें। तो वैकेंसी संबंधित ये है, जो नाम रिकमेंड किए गए थे हमारे कॉलेजियम के द्वारा उसको भी अभी तक पेंडिंग रखा गया है, तो उसको क्लियर करने की बात कही जा रही है यहाँ पर। आंध्र प्रदेश में जो 37 है ये सेंशन स्ट्रेंथ है, 15 काम कर रहे हैं और 22 वैकेंसी है यहाँ पे, समझ रहे हो, तो करीब करीब 60% वैकेंसीज यहाँ पाई जाती है। राजस्थान में है 58%, जम्मू कश्मीर में है 52%, जो हमारा पटना हाई कोर्ट है यहाँ पर है 49% वैकेंसीज, समझ रहे हो ना। तो जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं यहाँ पर इतनी आधी आधी वैकेंसी है, आधे जजेस हैं ही नहीं, सोचो जब जजेस ही नहीं है तो कैसे काम होगा वहाँ पे, है ना। अगला हमारा सवाल है कॉलेजियम के बारे में ही, इट इज़ ए सिस्टम। देखो इस सवाल को हमने डिस्कस किया था 30 नवंबर को, अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो आपको समझ में आएगा, इसका आप आंसर दे पाएंगे आराम से। हाँ, जो हमारे टॉपिक होंगे ना इंपॉर्टेंट, उसको हम रिवाइज कराते रहेंगे आपको, मतलब जैसे कि एक निश्चित अंतराल पर, ताकि आपको उसके बारे में पता रहे बातें, सवाल आए तो आप कर सकें उसको। जो कॉलेजियम है उसके बारे में देखिए सवाल, इट इज़ ए सिस्टम अंडर विच जजेस आर अपॉइंटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन कंप्राइजिंग जजेस। ये जो हमारे होते हैं ना कॉलेजियम, इसमें सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट जो होते हैं जजेस, एक तो हमारा होता है CJI और बाकी होते हैं 4 और, तो ये होता है। प्लस देखो हमारा जो हाई कोर्ट है ना, यहाँ पर भी कॉलेजियम पाया जाता है जो कि ट्रांसफर अपॉइंटमेंट वगैरह में निर्णय लेता है। मेरे यहाँ पर पहला सही है। कॉलेजियम का संविधान में कोई जिक्र नहीं है, संविधान में केवल ये जिक्र है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट करेंगे जजेस को आफ्टर कंसल्टेशन विद द CJI, समझ ना। तो हमारे जो जजेस केस है इसमें यह कहा गया था कि प्रेसिडेंट जब CJI से करेगा कंसल्ट, तो देखो बात यह है ना कि ये केवल कंसल्टेशन नहीं होगा, यहाँ पर ये कंकरेंस होगा, मतलब कि CJI की बात माननी पड़ेगी प्रेसिडेंट को, और कंकरेंस केवल CJI से नहीं होगा, CJI के अलावा जो हमारे यहाँ पर सीनियर मोस्ट जजेस होंगे ना, इनका भी सहमति लेना पड़ेगा। तो CJI प्लस सीनियर मोस्ट जजेस दोनों को मिलाकर के क्या बनाया गया, ये बनाया गया कॉलेजियम, ठीक है। तो हमारे जो जजेस केस हैं चारों, वो पढ़िएगा, मेरे यहाँ पर सेकंड सही है। इट ऑल्सो रिकमेंड्स द ट्रांसफर ऑफ CJ एंड अदर जजेस ऑफ हायर जुडिशरी, जो हाई कोर्ट हैं इनके जजेस को ये ट्रांसफर भी करता है। हाँ जी बिल्कुल सही है, मेरा थर्ड यहाँ पर सही है, D1, 2 and 3 आर करेक्ट, ध्यान रहेगा। चलिए अगला हमारा जो न्यूज़ है वो है RCEP डिसीजन नॉट लास्ट मिनट, ये जो न्यूज़ है वो आई है पेज नंबर 12 पे 11 दिसंबर के द हिंदू के दिल्ली एडिशन का। यहाँ पर कहा गया है जो कांग्रेस के जो नेता है ना, उन्होंने कहा था से कहा है कि आपने जो RCEP से हटने का जो डिसीजन लिया था ये आपका लास्ट मिनट डिसीजन था, मतलब कि आपने इसको जल्दीबाजी में लिया था। तो गोयल जी उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इसको काफ़ी सोच समझ के लिया है, काफ़ी पहले से हम लोग इस पर विचार कर रहे थे, क्यों हमने RCEP से अलग हुए, क्यों हमने इसको साइन नहीं किया, कई सारे उन्होंने जो रीज़न है वो दिखाए। उन्होंने पहले रीज़न ये दिया कि जो आसियान है और जो बाकी 6 कंट्री हैं इसके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले, उनसे हमारा ट्रेड डिफिसिट चलता है, मतलब कि वो इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादा और इंडिया से इंपोर्ट करते हैं कम। 15 में से जो 12 कंट्री हैं उनके साथ हमारा जैसे कि हमारा जो मतलब डील है ना वो ऑलरेडी है
और मतलब कि उनसे हम लोग ट्रेड डिफिसिट फेस करते हैं। तो बात यह है कि अगर हम आरसीपी साइन करेंगे तो ये जो डिफिसिट है वो और बढ़ जाएगा। आरसीपी नेगोशिएटर रिफ्यूजल टू कंसिडर द सर्विस सेक्टर, हमारा जो मेन पावर है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हमारा सर्विस सेक्टर मेन पावर है, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो हमारे मेन रिसोर्सेज हैं, हमको इसे एक्सपोर्ट करना था, समझ रहे हो। मगर जैसे कि उनको एक फोबिया है इनसे, जो कंट्री है ना उनको, उनको होता क्या है कि उनको जैसे कि उनको अपने जॉब्स बचाने हैं और उनको अपना माल भी एक्सपोर्ट करना है, तो जैसे दोनों तो नहीं मिलेगा ना ग्रुप। तो यहाँ पर बातें हैं कि वो इंडिया के जो कंसर्न्स थे इससे रिलेटेड, मतलब कि फ्री ट्रेड इन सर्विस सेक्टर, इसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए हमको हटना पड़ा था। अलग कंसर्न्स थे, कंसर्न्स ओवर रूल्स ऑफ ओरिजिन, नॉन टैरिफ बैरियर एंड सब्सिडी रिजाइम इन दीज आरसीईपी कंट्री। तो सब बातें थी जिसके कारण जो आरसीपी था उसको हमने साइन नहीं किया। अगला हमारा न्यूज़ है पेज नंबर 1 पे ही, वायलेंस मार्च प्रोटेस्ट अगेंस्ट सिटीजनशिप बिल, इसको डिस्कस कर लिया है हमने 2019 वाले बिल को भी, और सिटीजनशिप जैसे कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 को भी डिस्कस कर लिया हमने। जो दोस्त हमारे नए हैं, जो पिछले वीडियोज़ हैं हमारे, उसको देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला हमारा सवाल है अल्बेनिया के बारे में, अल्बेनिया किन किन कंट्री को बॉर्डर करता है, अजरबैजान, कोसोवो, मॉन्टेनिग्रो, ग्रीस, किसे बॉर्डर नहीं करता है। देखो ये अल्बेनिया है, ये बॉर्डर करता है ग्रीस को, नॉर्थ मैसेडोनिया को, कोसोवो को और मॉन्टेनिग्रो को। ध्यान है, जो अजरबैजान है ना ये कैस्पियन सी की तरफ है, इसको बॉर्डर नहीं करता, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ध्यान रहेगा। इसके जो कंट्रीज़ हैं देख लो, यहाँ पर हमारा है एड्रियाटिक सी, हाँ क्रोएशिया ने जो हमारा 2018 का फीफा वर्ल्ड कप था इसके फाइनल में फाइट करी थी फ्रांस से, और जो जैसे जो फ्रांस था ना ये जीता था 4-2 से, जो लुका थे वो कैप्टन थे क्रोएशिया के, इनको मिला था गोल्डन बॉल अवार्ड। तो ये हमारा ग्रीस है, ये हमारा इटली है, ये दिख रहा वाला सिसिली है, जो मूवीज़ होती हैं मतलब इसके हॉलीवुड की गैंगस्टर वाली, उसमें काफ़ी नाम आता है सिसिली का, जैसे कि अभी जो आई है नेटफ्लिक्स पे आयरिश मैन, उसमें भी है, ठीक है। तो ये क्या है, अल्बेनिया जो है वो साउथ ईस्ट यूरोप का एक कंट्री है, किसे किसे बॉर्डर करता है, ये करता है नॉर्थ, जैसे कि नॉर्थ मैसेडोनिया से, ग्रीस से, कोसोवो से और मॉन्टेनिग्रो से। अगला हमारा सवाल है CTTTX, ये जो काउंटर टेररिज्म टेबल टॉप एक्सरसाइज है ये संबंधित है किस से, ये संबंधित है हमारे क्वाड से, ध्यान रहेगा। क्वाड में कौन आते हैं, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, और इंडिया भी आते हैं। तो संबंधित है किससे, संबंधित है हमारे जो क्वाड है उनसे। क्वाड क्या है, क्वाड एक ग्रुप में बनाई गई है चाइना को काउंटर करने के लिए। अगला हमारा सवाल है प्रोटम स्पीकर पर, अभी जो महाराष्ट्र की असेंबली है उसमें जो उसके जो एम जैसे कि उसके जो MLAs हैं उनको शपथ दिलाई गई, जो गवर्नमेंट उसका फॉर्मेशन हुआ, प्रोटम स्पीकर का काम क्या होता है। द मेन ड्यूटी ऑफ द प्रोटम स्पीकर इज़ टू एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू न्यू मेंबर्स ऑफ द हाउस, जो नए MLAs आए हैं उनको ये शपथ ग्रहण करवाता है प्रोटम स्पीकर, बात सही है, मेरा पहला सही है। प्रोटेम स्पीकर इज स्वॉर्न इन बाय द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, नहीं जी, प्रोटेम स्पीकर को प्रेसिडेंट शपथ दिलाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ध्यान रहेगा, मेरे यहाँ पर सेकंड गलत है, ए ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला हमारा सवाल है जो जिंग कियांग जरी है इसके बारे में, अब सोचेंगे कि यार ये क्या है, अगर मैं फोटो दिखाऊंगा ना आपको याद आ जाएगा। देखो ये हमारा है जियांग क्यांग जरी, ये क्या है, ये हमारे लिविंग रूट्स हैं जिसके बारे में डिस्कस किया था हमने अपने पिछले वीडियोस में, याद आया, लिविंग ब्रिजेस जिसके बारे में UPSC क्वेश्चन पहले पूछ चुका है। ये कौन से राज्य संबंधित है, मेघालय, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लद्दाख तो खैर अपना जैसे कि अपना एक UT बन गया, तो कौन से संबंधित है स्टेट्स या फिर UTs, ये हमारा है मेघालय, मेघालय में पाए जाते हैं हमारे लिविंग ब्रिजेस, देखो ये हमारा लिविंग रूट ब्रिजेस बोलते हैं इसको, इस पर अभी आया था न्यूज़ एक्सप्लेन में, इंडियन एक्सप्रेस में, इन मेघालय लिविंग रूट ब्रिजेस स्टडी सीज ग्लोबल पोटेंशियल कैन इट वर्क। चलिए अगला हमारा सवाल है जो हमारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं उनके बारे में, हम्बनतोटा, श्रीलंका, चाबहार, अफगानिस्तान, दुकम, ईरान। दो तो आसान है, हम्बनतोटा श्रीलंका में आपको पता है, ये श्रीलंका है ऐसे पानी के बूंद जैसे, यहाँ पर नीचे बसा हुआ है हम्बनतोटा। जो चाबहार है अफगानिस्तान में है, पता ही है आपको, ऐसे है यहाँ तक है पाकिस्तान, फिर यहाँ से आता है अफगानिस्तान, यहाँ पर है आपका ग्वादर पोर्ट, यहाँ पर है आपका चाबहार पोर्ट, ध्यान रहेगा, सॉरी ईरान, यहाँ पर ये ईरान है, चाबहार अफगानिस्तान में नहीं है, ये ईरान में है, ठीक है ना। जो अफगानिस्तान है तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, क्या है ये, लैंडलॉक्ड कंट्री है,
चाबहार जो है वो ईरान का पोर्ट है, इससे होते हुए हम लोग ऊपर में अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान बॉर्डर करता है किससे? अफगानिस्तान से भी और ईरान से भी। जो ग्वादर पोर्ट है यहाँ पर आता है जो चाइना का, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो। आंसर क्या है मेरा यहाँ पर, हमारा टोटा सही है चाबहार, ये गलत है। दो काम ईरान में नहीं है, ये ओमान में है, हमने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले ही, ये ओमान में है। मेरा आंसर क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया केवल वन ओनली, ठीक है। या फिर अगर आपका रहता आर नॉट करेक्टली मैच तो क्या आंसर लगाते हैं आप लगाते हैं आंसर टू एंड थ्री ओनली, ध्यान रहेगा। चलिए अगला हमारा सवाल है बिश्कक के बारे में। जो डिक्लेरेशन है बिश्कक का संबंधित है कौन से स्पीसीज से? रिवर राइन डॉल्फिन, ब्लू वेल, वाइल्ड आयस, स्नो लियोपार्ड। अच्छा बताइए भारत में वाइल्ड आयस का जो सबसे बड़ा सेंचुरी है वो कौन सा है, ठीक है, आपको बताना है उस सेंचुरी का नाम। प्लस ये सवाल नंबर फाइव है हमारा। सवाल नंबर सिक्स ये है कि वाइल्ड लाइफ, जैसे कि जो वाइल्ड आयस है वो कौन से थ्रेट्स फेस करता है? नहीं पता, आप सिंपल गूगल सर्च कीजिए थ्रेट्स फेस्ड बाय वाइल्ड आयस, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस पर क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, है ना, इसलिए मैं पूछता रहता हूँ सवाल आपसे। मेरा आंसर क्या है? ये जो डिक्लेरेशन है संबंधित है हमारे स्नो लियोपार्ड से। ये जो माउंटेनियस रीजन होते हैं सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के, वहाँ पाया जाता है, ये वनरेबल है IUCN के रेड लिस्ट के अनुसार। आंसर क्या है यहाँ पे? डी, स्नो लियोपार्ड इज द राइट आंसर। दोस्तों ये सब बातें हमारे आज की। अगर वीडियो आपको लगे अच्छा, अगर आपने कुछ सीखा हो नया, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए इसको। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।